समाजवादी पार्टी की तरफ से इस्लाम जिम खाना में ईद मिलन की पार्टी रखी गई थी, जिसका हमारे साथ मौजूद है वो आशिम आजमी जी, उन्हीं से बात करते हैं। वो आशिम आजमी जी, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत शुक्रिया आपका। और तमाम देशवासियों को क्या कहना चाहिए? ईद का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें जिस आदमी से बातचीत नहीं होती, कोई झगड़ा लड़ाई भी होता है, दूरी रहती है, उसको बुलाकर माफ़ीनामा गले मिलकर पुरानी बातों को भूल करके गले मिलते हैं और मुबारकबाद देते हैं, तो सारे गीले शिकवे उस दिन दूर हो जाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इस देश में रहने वाले तमाम लोगों को भाई भाई की तरह से देखा जाए। और कहते हैं जैसे एक नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही है इस देश के सिपाही, इन सबको मिलकर रहना चाहिए। ये हमारी एक कोशिश है, ईद मिलन में हम लोग ही करते हैं हमेशा। देखिए, ईद का मौका है और देश का माहौल देख रहे हैं, काफ़ी खटास है देश के माहौल के अंदर। क्या लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर कुछ बदलाव होगा? 2024 का भी जो चुनाव है वो नज़दीक है, और मैं खास तौर पे बात करूँ तो यूपी के अंदर निकाय चुनाव जो है वो शुरू। देखिए, ऐसा है ना कि बदलाव बहुत ज़रूरी है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, अगर उस वक्त इस तरह का माहौल होता तो शायद मुसलमान यहाँ नहीं रहता। 47 में यह तय हुआ था इस देश का संविधान बनेगा, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सबके लिए समान होगा। तो हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला, पाकिस्तान को लात मारा, भारतवर्ष जिंदाबाद बोलते भारतवर्ष में रहे हैं, इस देश के लिए खून दिया है, इस देश के लिए शहादत का जाम पिया है। जो लोग आज बैठे हैं ना, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैला रहे हैं, तो मैं हम उनके ख़िलाफ़ हैं और माहौल बहुत ख़राब है। जो लोग भी इस देश में गांधी जी को मानते हैं, जो इस देश के संविधान को मानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, उन सबको इकट्ठा होकर के इस देश के संविधान को बचाने का वक्त आ गया है। अब अगर नहीं उठेंगे तो देर हो जाएगी। क्या लगता है अतीक अहमद के इंतकाल के बाद यूपी की राजनीति है, निकाय चुनाव भी नज़दीक है, क्या लगता है कि पूरी राजनीति भी है अतीक अहमद को लेकर? देखिए, ये अतीक अहमद और उनके भाई जो हैं अशरफ, उनके ऊपर सिर्फ राजनीति से क्या लेना देना इसमें है? मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर यूपी का ख़राब है। अतीक अहमद को कोर्ट से सजा भी हो चुकी थी, अतीक अहमद को लाकर इस तरह पुलिस के बीच में और उसको 10 बजे रात को चांस देना कि मीडिया से बात करे, उसको इस तरह मार देना पब्लिक के बीच में, पूरे देश में पूरी दुनिया में हंसाई हो गई, मजाक हो गया है। 44 सेकंड तक गोली चलती रही और गुंडे मारते रहे और कुछ हुआ नहीं। तो इसको जो है पॉलिटिक्स से जोड़ करके इसका फ़ायदा लेना, मैं समझाऊँ, बहुत ही निचले दर्जे की सियासत है। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, कोई भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, आप पकड़िए उसको, ले जाइए उसको, जेल में रखिए। वकील है, वकील किस लिए, वकालत किस लिए पढ़ता है आदमी? उसके बाद जो है कोर्ट जाता है, कोर्ट किस लिए बनती है? जज क्यों बनता है? और सज़ा होती है तो जेल जाते हैं। उसके बाद वो सारे प्रोसीजर को रोक करके आप उठा के ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, इसका मतलब है संविधान की रक्षा ही नहीं हो रही, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हैं, इसकी निंदा पूरी दुनिया कर रही है। क्या लगता है गुजरात के अंदर तमाम अभी ईद से पहले ही 83 लोगों को गुजरात हाईकोर्ट जो है दंगे के अंदर बाइजन भरी करती है, किस तरीके से देख रहे हैं गुजरात हाईकोर्ट? मैंने कहा ना कि अभी जो फैसले हो रहे हैं बड़े गलत फैसले हो रहे हैं। आजकल जो है ना, ये जो है ना फैसला होता है, इंसाफ नहीं होता है, इंसाफ नहीं हो रहा है। मगर कोई कह दे कि बिल्किस बानो के कातिल जिसको उम्र कैद हुई थी वो शरीफ हैं, उनको छोड़ दिया जाए, तो दुनिया हंसेगी कि ये क्या हो रहा है, इसका कैसे? जिन्होंने गुजरात के अंदर 100-100 आदमियों को कुएं में डाल के जला दिया और जजेस ने कहा इस आदमी की जमानत नहीं हो सकती, वो आदमी खुलेआम नाम ले रहा है कि मुझे साहब ने कहा कि मैं एक अच्छी बेंच बिठा दूंगा, बेंच बिठा के मुझे जमानत करा दिया, उसकी सज़ा हो गई और उसको भी छोड़ दिया गया। मैं समझता हूँ फिर कानून बचा ही नहीं, अब आदमी जाएगा किधर, किसके पास जाएगा बात करने के लिए? ये इसके लिए जो लोग इस देश में संविधान को मानते हैं उनको खड़े होकर के ऐसे फैसलों के खिलाफ कुछ न कुछ विचार करके देश के संविधान को बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यूपी में निकाय चुनाव चल रहे हैं, समाजवादी, बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रहे हैं 2024 से पहले। समाजवादी में कुछ ऐसी जान फूकी जा रही है यूपी के अंदर, ऐसा लग रहा है, और कुछ नतीजे भी कुछ ऐसे लग रहे हैं। अब तो क्या लगता है कि यूपी, अब आशिम आजमी भी जाएंगे निकाय चुनाव के लिए, और निकाय चुनाव में कितनी कामयाबी आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा कि अखिलेश भाई मेहनत कर रहे हैं, अभी अगर पार्टी कहेगी जाने के लिए ज़रूर जाऊँगा, हमें पार्टी की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं आया है, जब आदेश आ गया जाना है तो पार्टी वर्कर हम लोग ज़रूर जाएंगे, लेकिन काम वहाँ कर रहे हैं लोग, बहुत लोग काम करने वाले हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी अच्छी सीटें जीत जाए। हाशिम भाई, गुजरात को लेकर, गुजरात के अंदर जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के आरोपी थे उनको कहीं ना कहीं रिव्यू डाला गया है, तो क्या लगता है कि ये 83 लोग जो
हाई कोर्ट से बरी हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा और क्या लगता है जुडिशरी जो है वो कहीं ना कहीं आजकल बंदी भी है? देखिए मुझे खुशी है कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं बहुत इंसाफ पसंद इंसान है, मैं सलूट करता हूँ ऐसे लोगों को, वो किसी के दबाव में काम नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि हमारे चीफ जस्टिस साहब को कोई राज्यसभा चाहिए रिटायर होने के बाद, ज़रूर भारत में उसके कानून के मुताबिक लीडर होकर जो फैसले करते हैं ज़रूर इन चीज़ों पर रोक लगाएंगे। ये थे अबू हाशिम आज़मी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले वक्त के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जो चीफ जस्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और जो फैसले होंगे वो वाकई में कानून के हिसाब से। लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।